नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। जी आर कॉन्वेंट दोन में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, मॉडल देख आश्चर्यचकित हुए अतिथि। सिवान जिले के तरौली प्रखंड क्षेत्र के दोन स्थित जी आर कॉन्वेंट में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में आगत मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों को स्वागत स्कूली छात्रों ने बैंड बाजे के साथ किया। इसके पश्चात बतौर मुख्य अतिथि मनोज शंकर, सेवानिवृत्त जिला जज सिवान, न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिक प्राधिकरण पटना, डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ला PMCH, डॉक्टर मंजू सिंह अध्यक्ष लक्ष्मी नरसिंह होम, संदीप तिवारी RBT स्कूल, भोला प्रसाद शुक्ला अधिवक्ता मुंबई उच्च न्यायालय, डॉक्टर RK सिंह लक्ष्मी नरसिंह होम, संजय पांडे निदेशक GR कॉन्वेंट ने बच्चों द्वारा बनाए गए 27 मॉडलों को बारीकी से देखा। इसके पश्चात आगत अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनके इस प्रदर्शनी को खूब सराहा। दरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट। पानी आ रहा है नल से? नो सर, प्रेशर एयर प्रेशर आ रहा है। सिक्स्थ। क्या नाम है तुम्हारा? आर्य सम्राट। देखो कैसे बनाए हैं बच्चों ने। पहले तो बोला ना, उसका मार तो अफेक्शन केयर, ये तीन जैसे वो है इंग्रेडिएंट्स है लाइफ के,
करेगी तो किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, मतलब करेगी साइड में फोटो आ जाएगा, साइड में खड़ा था छोड़ करके।
रहे हो? बोलो, इंट्रोडक्शन दो। Independent navigation satellite after USA, Russia and China. Our navigation system replaced the GPS in the Indian Ocean of GPS. And India has surface location and also searching lunar orbit. It has three main components: orbiter, lander, and meteor. The main function of the orbiter is communication medium between ISRO and lander. इस उम्र में इतनी सक्रियता मैंने बहुत कम देखी है। जहाँ तक विद्यालय आज मैंने विज्ञान प्रदर्शनी में देखा, एक आप कहीं विद्यालय में जाने पर किसी प्रोग्राम में दो चार छात्र आते हैं जो अच्छे होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। मैंने सारे स्थान पर देखा, जितने छात्र थे सभी सुशिक्षित थे, बोलने का जो इनका एक्सप्रेशन था बहुत कॉन्फिडेंट था,
और मैं इतने बिहार में रहकर इस तरह से वेल में छात्र कम देखे। आप लोग का कला प्रदर्शन देख के बहुत बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आपके एग्जीबिशन का। आई हैव एन इमेंस प्लेजर टू बी हियर एज ए पार्ट ऑफ योर एग्जीबिशन और आशा करता हूँ कि आप लोग हर साल ऐसा ही विज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शनी करेंगे, जिससे आप लोगों को सर्वांगीण विकास में ये सहायता करेगी। जो आप लोगों का कलेक्टिव अप्रोच था यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी में, बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही उत्तम प्रकृति का था। मैं यहाँ के शिक्षकों का भी सम्मान करता हूँ जिन्होंने आप लोगों को ऐसी प्रेरणा दी ऐसी एग्जीबिशन के लिए, और इस मोटिवेशन के साथ आप लोगों ने बताया अपने कार्यक्रमों को, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया, बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत ही प्रभावशाली रहा। जैसे कि कहा जाता है यहाँ कि आप लोग कर्म करते रहिए, फल देने वाला ईश्वर कर्मणे वाधिकार तुम्हारा फले सुखदा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ही पूजा है, आप लोग कर्म कीजिए। और यहाँ आते वक्त विवेकानंद जी का जो मूर्ति था उससे भी आप लोग हमेशा दर्शन करते हैं, उनकी भी शिक्षा से उनका जो संकल्प है उससे आप प्रेरणा अपने जीवन में ले सकते हैं। उन्होंने कहा था ईश्वर जागृत प्राप्त बड़ा नहीं होगा, उठो जागो और तब तक कर्म करते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आज हम लोग साइंस फेयर के ओकेजन पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया। हम थोड़ा सा जो साइंस फेयर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। सबसे तो अच्छा ये लगा आप लोगों ने जो भी प्रयास किया, मैक्सिमम लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व थे। बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं लोग, देखते हैं कि बहुत सारे मॉडल बना के रखे हैं, मॉडल्स का शौक होता है, सिवान भी होगा, आपको पता नहीं होगा शायद, हमको यहाँ किसी को नहीं पता होगा कि मॉडल का स्कूल कहाँ होता है, दुकान कहाँ होता है, क्योंकि सारा मॉडल देख के इतना नेचुरल लग रहा था कि लग रहा था कि यहाँ बना हुआ है। 90% जगह पे वो दुकान से खरीद के ला के रख दिया जाता है। चार बच्चे जो सर ने बताया जो बोलने में तेज होते हैं, 100 बच्चों में चार तेज होंगे ही, उन्हीं को खड़ा कर दिया जाता है, तो बहुत नेचुरल लगा। सारे अगर एक मॉडल है और 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चों ने चार चार लाइन ही रिप्रेजेंट किया, तो रिप्रेजेंट तो किया सब। सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा था, प्रयास सबने किया बोलने का, ठीक है, हिंदी में बोल रहे हो, भोजपुरी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप जो बोलना चाहते हो वो बोल रहे हो कि नहीं, इसे ये सबसे बड़ी बात होती है। मेरी माँ के चरणों में यही एक प्रणाम है कि सबके चेहरे पर खुशियाँ दें, इसका अहसास जो भी जन्म लेता है वो बन जाता है। मैं कर्मयोगी हूँ और एक कर्मयोगी की भूमि पर पैदा द्रोण एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य अपने अर्जुन को परांगत किए थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाह रहा हूँ और मेरे यहाँ जो भी पधारे हैं मेहमान वो सभी कर्मयोगी हैं। बच्चों आपसे भी चाहता हूं कि आप लोग भी कर्मयोगी बनो। करना आसान नहीं है, कुछ भी करना आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। करके देखो, आज मैं विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता।
विद्या के बगैर विनय नहीं और विनय के बगैर पात्र आदमी नहीं बनता है कुछ भी पाने। मैं तुम लोगों को शायद पता होगा मैं सिवान जिला का जिला जज था पूरे 22 साल और पहला जो विज्ञान प्रदर्शनी थी 2019 में मुझे याद है उसमें भी बड़े उत्साह से सभी लोगों ने मॉडल प्रेजेंट किया था डिस्प्ले किया था। बच्चों में जो उत्साह और साइंटिफिक टेंपर होना चाहिए इस स्कूल में दिखता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिवोशन डेडिकेशन टू द स्टडी। तो जो डिवोशन और डेडिकेशन लोगों में है मैं इसके लिए नमन करता हूँ। मैंने बहुत ऐसे कम स्कूल देखे हैं इतने रिमोट प्लेस में जो इसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रिंसिपल यहाँ के टीचर्स को जाता है और गार्जियंस को जाता है और एवम ऑल हमारे साइंटिस्ट हैं कुमार बिहारी पांडे। ये साइंटिस्ट हैं विज्ञान वैज्ञानिक होना नहीं है साइंटिफिक टेम्पर रखना भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी मॉडल्स उन्होंने 30 मॉडल बनाए और ऐसे समय में बनाए जो बहुत ही मतलब ऐतिहासिक हमें लग रहा है कि दिवाली और छठ के बाद तुम लोगों ने इतने कम समय में इसको तैयार किया और सेल्फ मेड है कहीं से परचेज नहीं किया और जो विज्ञान और जीवन का जो सामंजस्य तुम लोगों ने दिखाया बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं सभी जो कॉन्फिडेंस उन लोगों ने दिखा हमें उसको और भी डेवलप करो। स्पीकिंग पावर भी बहुत अच्छी है तुम्हारी और ये गाइड सिर्फ वही कर सकता है टीचर। तो टीचर का सम्मान सबसे सर्वोपरि है। जो बच्चे टीचर का सम्मान नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा सम्मान पेरेंट्स माँ बाप धरती पे भगवान होते हैं कहा जाता है। देयर इज नथिंग लाइक पेरेंट्स। तीसरी चीज ये है कि पढ़ाई के प्रति रुचि पढ़ाई करना पढ़ाई हम 6 से 7 में चले गए 7 से 8 में चले गए 9 में चले गए डजंट मैटर। ये तो है सबको करना है स्कूल में लेकिन एक मिशन लेके पढ़ना है कि ये मिशन हमको 8th तक तय कर लेना है कि हम किस फील्ड में हमें जाना है। और यहाँ पे ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बताएंगे सबका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे तब उनका फील्ड पता चलेगा कि हमारी रुचि किसमें है। रुचि के बियॉन्ड है बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं साइंस और मैथ पढ़ना है नहीं ये बायोलॉजी पढ़ना है तुमको मेडिकल में जाना है। ये बच्चों के पेरेंट्स को भी सोचना है कंपल्सर नहीं फ्री माइंड से पढ़ना है जो मेरी रुचि है वही पढ़ना है। ये नहीं कि हम साइंस ही पढ़ें हम आर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं हम म्यूजिक में भी अच्छा कर सकते हैं हम स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं लेकिन एक बात पढ़ाई सबसे बड़ा वेपन है शिक्षा उसको नहीं त्यागना है। और ये जो साथ उन्होंने दिखाया है बहुत ही काबिल तारीफ है और सारा श्रेय तो मैं जब लखनऊ में था टीम वर्क इज वेरी इम्पोर्टेंट। टीम वर्क ये इम्पोर्टेंट है कि तुम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। रिस्पेक्ट करना सबसे जरूरी है और हर बड़े बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने छोटे क्लास के बच्चों की रिस्पेक्ट करें। बड़े क्लास के बच्चे छोटे क्लास के बच्चों को रिस्पेक्ट करें तो वो अपने आप उसको रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ उल्टी गंगा हमारी सोसाइटी में बहती है कि हम बड़े हैं तो हमारा छोटा भाई मुझे रिस्पेक्ट करें। ये गलत है। हर बड़े को छोटे का रिस्पेक्ट करना है ताकि वो छोटा खुद रिस्पेक्ट करें। तो ये सबसे बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग है और अपने ब्रेन को साइलेंस काम कूल काम कैसे रखना है
आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या क्या जरूरी है वो ध्यान रखना है। Respected Chairman sir, honorable guests who have graced this occasion, my teachers and students, before I say the few words I used to say as a ritual at the end of every program, let me first convey a few words from Chairman sir, who has told me to convey his heartfelt thanks and gratitude towards the students and all the teachers who have made this unique, incredible program successful and possible. Thanks on behalf of the chairman, sir. And now, let me add a few words. Just now, Honorable Manoj Sankarji told about short Deepavali. I will add a few words more. Actually, just before that, there was 10 days or 15 days you spent preparing and sitting for the half-yearly examinations. All the teachers were, while they are helping you, actually they are also checking copies, a whole day program. And it was almost impossible, I cannot think of it, that one more thing that Dr. Sir told, that everybody is really made here on the spot.